भाई अपना 144p वाला Amazon मीशो आ चुका है, पैसा बर्बाद। हैशटैग लो एफर्ट्स कंटेंट में दोस्तों आपका स्वागत है। ये शार्क टैंक की वीडियो नहीं है, ये है सस्ते प्रोडक्ट्स की वेरी सस्ती वीडियो। हमने मंगा लिए कुछ Amazon मीशो से। क्या गंदा नाम है। मीशो का मतलब क्या होता है देखते हैं। मीशो इज एन इंडियन ओरिजिन सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाई IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स। एक्चुअली मीशो के ऊपर आपको चाइनीज डम्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब कि वो प्रोडक्ट जो कि चाइना में एकदम रत्ती भाव में मिलते हैं, इंडिया में आके 300-400 में बिक जाते हैं और हम लोग भी खरीद लेते हैं क्योंकि सस्ता होता है ना भाई। और सीरियस बात ये, अगर डम्ड प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी के लिए एक बार हम टेस्ट करते हैं। तो मैं पहली बार कोई मीशो का प्रोडक्ट अनबॉक्स करने वाला हूँ। चाइनीज ये वायरलेस नेक बैंड एयरफोन है, 109 रुपए का मंगाया हम लोग ने। रोड साइड रेलवे स्टेशन लाइक आनंद विहार, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, हर जगह पे आपको ये 50-50 रुपए मिलते हैं। चलो ट्राई कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी की स्टीकर नहीं निकल रहा यहाँ से। अच्छा सॉरी नहीं बोला है ना। हमने स्टीकर निकाला भाई, स्टीकर इस पे चिपका रह गया। सबसे पहले अरे चलो इसको ऑन करते हैं, यहाँ से हो गया ऑन। भाई ब्लूटूथ म्यूजिक आ रहा करके, भाई चाइनीज बोल रही है, पता नहीं क्या बोली लेकिन अच्छा लगा सुन के। एक बार आप लोगों को सुनाता हूँ। दिया तो वो तो कमेंट बताओ। कनेक्ट करते हैं, पहले वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, पता चला कि कान फट गया। आवाज तो बाहर तक आ रही है। साउंड क्वालिटी पता कैसी है, बिल्कुल भी बेस नहीं है। एक तरफ से आवाज ज्यादा आ रही है, एक तरफ से कम आ रही है आवाज। इतना ना एक बार ट्राई करना। अरे करंट लगा ना, नहीं आ जा भाई, डर लग रहा है। कैसी आवाज है भाई, ऐसा लग रहा है ना सब चीज को बेस ट्रेवल्स वोकल सब मिला के खिचड़ी बना कर दी। आवाज बहुत दूर से आ रही है, बहुत ही गंदी क्वालिटी साउंड की। लेकिन अच्छी बात ये कि इसका फुल वॉल्यूम पे भी ना कान ऐसे हर्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों, अरे आराम से भाई, मीशो। इसके अंदर मीशो की ब्रांडिंग भी है। अरे सुनहरा अवसर, इस प्रोडक्ट की खरीदी से आप पा सकते 50 रुपए का कैशबैक। अमीरी इनकमिंग, रंग बिरंगा पैकेजिंग है दोस्तों। ये प्रोडक्ट खरीदा हमने 453 रुपए में। इसका नाम है M19 ईयरबड्स। काफी भारी सा प्रोडक्ट लग रहा है भाई। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत गंदी है ऑनेस्टली। ब्लैक टॉय वाला प्लास्टिक होता है ना, वैसी प्लास्टिक है ये। इसका बड्स भारी था भाई, हाथ सूख गया। क्रीम लगा के आता हूँ, गर्दी में ना लगाऊं तो फाउंडेशन नहीं होता। बी प्राउड बी लाउड, 100% बैटरी है इसके अंदर। ऊपर से भी दिखता है 100% काम की चीज तो लग रही है। बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा कान की बाली मिल जाएगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार लग रही है, मतलब जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा एवरेज है। आप कान में काफी सस्ता सा फील देने वाला है, लेकिन फिटिंग फॉर सम रीजन बहुत ही प्रॉपर आई है। कनेक्टेड बोल रही है। इसका साउंड सिग्नेचर बहुत ज्यादा बेकार है, मतलब पहले वाले से भी ज्यादा बेकार लग रहा है मुझको। इसके अंदर जो वोकल्स आ रहे हैं ना बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हैं। सारा म्यूजिक सारा बेस ऐसे आगे की तरफ किया हुआ है, तो काफी वियर्ड सा एक्सपीरियंस है इसके साथ। फुल वॉल्यूम पे बहुत डिस्टॉर्शन है। हमारे एक्सपर्ट विनय भाई इन द हाउस, सबसे पहले बताओ फिटिंग कैसी है। फिटिंग तो अच्छी लग रही है ना। हाँ मुझे अच्छी लगी। एक बार आप गाना सुनो, चलो जल्दी बताओ भाई। अपना गाना अच्छा है लेकिन आवाज अजीब सी आ रही है। 500 दोगे इसके लिए? 500 तो नहीं, 300। इसके पावर बैंक भी है, अब ले लो 500। दोस्तों साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें बहुत एवरेज है, लेकिन ये वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। सबसे पहले चार्जिंग पावर बताया था, इसके थ्रू आप अपना फोन वोन भी चार्ज कर सकते हो। चार्ज कर तो रहा है भाई। और दूसरा इसके अंदर आपको ये टॉर्च भी मिलता है भाई। सही तो लग रहा है, टॉर्च उतना खराब भी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कितना चलेगा कितना चलेगा उससे कोई गारंटी नहीं दोस्तों। मैं भी उसको सेल करने वाला हूं, तो कमेंट में अपने अपने ऑफर लिख दो। जिसके ऑफर सबसे अच्छे लगे मुझे उसको पर्सनली रिप्लाई करके भेजेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों, भाई इसमें भी कुछ कार्ड है, सुनहरा ऑफिसर वाला। ये है i7 mini, ये चाइना के सोम बाजार से आया है। अरे ये तो अपने पैरों पे खड़े होता है दोस्तों। इसके अंदर केबल मिल जाएगी और ये है अपना सोम बाजार वाला एयरपोर्ट्स प्रो। इसके लिए हमने पे किया 174 रुपया। तुम्हें क्या लगा डॉलर है दोस्तों? ये वाला प्रोडक्ट मैंने बहुत लोगों को देखा यूज करते हुए, ऑफलाइन मार्केट में 100 रुपए में मिल जाता है आराम से। इसको करते हैं कनेक्ट। कैसा लग रहा है भाई? ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट लीक हो रहा है कान में भाई। इसको पेन के चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, हल्का सा भारी सा लग रहा है इसका। भारी हमको देखने भाई लग रहा है। i7 TWS आ गया फिर से भाई, एक ही कान में आवाज आ रही है। ये क्या ड्रामा है भाई, तीनों प्रोडक्ट में तीनों में एक ही कान में आवाज आई है। गाना बजाते हैं। सर में दर्द हो गया पता नहीं क्यों। इंटर्न पानी लेके आओ, गर्म पानी मत लाना भाई, दोनों बज रहा है। वो इसकी साउंड क्वालिटी सच में अच्छी है, मतलब 174 रुपए के हिसाब से फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हैं अभी हम लोग। भैया मैंने जॉब पक्की कर दो, हो गया। जब तक मैं पानी पी रहा हूँ तो इसको चेक करियो। दूर तक जाता हूँ मैं, देखता हूँ कितना कनेक्ट कर रहा है। उससे क्या करना, मोबाइल तो पॉकेट में घूमते हैं भाई, क्या करना।
कितने पे रहो इंटर्न? इंटर्न कैसे लगा साउंड क्वालिटी में? कुछ लगा भाई 174 रुपए के हिसाब से तो ठीक है भाई। हाँ लास्ट जितने प्रोडक्ट मैंने ट्राई किए उन सभी में सबसे अच्छा साउंड क्वालिटी इसका है और साउंड ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यहीं पे बज रहा है, वो 4 किलोमीटर दूर नहीं बज रहा है। ये झुमकी मैं अपने भाई करंट क्यों लग रहा है बार बार? क्या खा के आया आज भाई? ये दे दो मेरे को, मैं अपनी एक्स को दे दूंगा। तो भाई डिब्बा में दे दे। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट इतने बेकार थे थक के बैठना पड़ गया मुझे। कोई बात नहीं, एनर्जी पूरी है। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जो कि एक हेडफोन है। इसका बॉक्स तो काफी सस्ता सा लग रहा है। अगेन इसके अंदर भी भाई यू कैन विन अप टू 500 रुपीज। ये सस्ती मस्ती वाले कूपन बहुत मिलते हैं इसमें। ये है वो हेडफोन भाई, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत गंदी है। ये वाला हेडफोन खरीदा हमने 129 रुपए में। इसके जितने प्लास्टिक यहाँ पे आपको एजेस पे ना शार्पनेस फील हो रहा है, मतलब कि लिटरली हाथ कट जाएगा ऐसा लग रहा है। एक बार इसको पहन के देखते हैं भाई, फिटिंग हो रहा है तो। इसके लिए हम लोग आ चुके हैं OG फोन 3.5mm जैक वाला Redmi Note 10 Pro। इसको करने से किरकिरा रहा है भाई हेडफोन ये। भाई 129 रुपए के हिसाब से इसका बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ज्यादा गंदा है, मतलब कि इतनी गंदी बिल्ड क्वालिटी आपको लेनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और जो सॉन्ग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा गंदा है। इवन इसका जो वायर क्वालिटी है, कुशन है यहाँ पे, तो ऊपर में कुशन ही नहीं, पूरा प्लास्टिक है। ये सब चीज भी बहुत ही ज्यादा एवरेज है, एकदम डम्ड प्रोडक्ट है। वही सेम प्रोडक्ट है चाइना में फैक्ट्रीज में लिटरली 10-10, 20-20 रुपए बनते होंगे। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही गंदी क्वालिटी लगी इसकी। और तो यहाँ पे ये शाइन ऐसा करता है लगता है कि मेटल है, लेकिन ये भी प्लास्टिक बिल्ड है। और कंप्लीट यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मोड़ूंगा ऐसे इसका शेप चेंज हो गया। मैं तो बोलूंगा आपने 150 रुपए बचा लो, मीशो के ऐसे प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल भी मत उठाओ। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। गुस्से में हमने डब्बा ही फेंक दिया था। लास्ट प्रोडक्ट है अपने लिस्ट का। अरे कहाँ फंस गया? पहले तो इस बॉक्स की भी स्मेल बहुत गंदी सी आ रही है, पता नहीं एकदम गंदा है। ये है ट्रू वायरलेस हेडसेट भैया बोल रहे हैं, और दीदी भी सेम बात बोल रही है। ओके, ये रहा अपना प्रोडक्ट। देखने में तो काफी ज्यादा भारी भरकम सा लग रहा है, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी गंदी से लग रही है। और इसको हमने 417 रुपए में खरीदा है। मीशो पर देखने में उतना बेकार प्रोडक्ट नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट पहले ही से गंदा होकर आया है, बिल्कुल से रगड़ा खाया हुआ ऐसा लग रहा है। डिस्प्ले में दिखा देता है बैटरी कितनी परसेंट है, जो ऐसे चलता रहता है। फिटिंग तो अच्छी लग रही है इसकी। प्रेस होल्ड करने के बाद बोला इसने पावर ऑन, ये कनेक्ट होने में बहुत दिक्कत कर रहा है, चौथी बार ट्राई कर रहा है। मेरे आईफोन में 2-2 F9 कनेक्शन आ रहा है और अपने आप ऑफ हो गया। इसने जैसे बोला पावर ऑफ, इसने बोला कनेक्टेड, चलो कनेक्ट तो हो गया। आपको राइट साइड में आवाज आ रही है, लेफ्ट वाला अपना पावर ऑफ हो चुका है। इसको चार्ज करना पड़ेगा क्या भाई? 91% चार्ज तो बोल रहा है ये, अभी 95 था वैसे, और लिटरली 3-4 मिनट में 4-5% जा चुका है। और इसकी भी जो ऑडियो क्वालिटी बहुत ही गंदी है। एक बार टच कंट्रोल देखते हैं। ये अपना पावर ऑफ हो गया भाई, इन दोनों में बैटरी ही नहीं है। सस्ता पावर बैंक भी इसके आपको देखने को मिलेगा। और 417 रुपए के हिसाब से तो ये वाला काफी डम्प प्रोडक्ट है। तो टोटल हमने 5 प्रोडक्ट ट्राई किए, जिसमें से एक प्रोडक्ट ठीक ठाक लगा, बाकी सारे प्रोडक्ट इंडिया में डंप किए गए हैं चाइना के द्वारा। और डेफिनेटली भाई आपको इन सभी चीज को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और लेके आप अपने को खराब कर रहे हो। रीजन बता रहा हूं कैसे। डंपिंग से एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी लो या फिर न्यू बिजनेसमैन होते हैं जो कि इस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं विद गुड प्रोडक्ट, इन सभी प्रोडक्ट्स की वजह से वो इनको कम्पीट नहीं कर पाते हैं, इनको बेहतर नहीं बना पाते हैं, और इंडिया के एक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स का लॉस होता है। ये सब चीज को तो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए भाई, कुछ काम के नहीं होते। लिटरली मैं इनको यूज करने के बाद कान में यहाँ पे दर्द होने लगा, और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, और 3-4 मिनट यूज किया मैंने। तो इतने ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं कि मतलब मैं तो रिकमेंड कभी ना करूं। रियलमी, शाओमी, वन प्लस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब चाइना में बनते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंप्लीट चाइनीज प्रोडक्ट को मैं बुरा बोल रहा हूँ, बस डंप वाले प्रोडक्ट को बुरा बोल रहा हूँ। और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा, और मीशो के और प्रोडक्ट्स हम लोग ट्राई करेंगे फ्यूचर में। देखो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे, मैं भी ट्राई करूँ एक बार, व्यूज आएंगे, बट आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखा है भाई सब्सक्राइब करके जाना, और मेरे इस बलिदान के लिए लाइक वाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ठीक है बंद कर दे भाई, जा रहा हूँ। बाय। क्या घटिया प्रोडक्ट बनाता है भाई, हट हट यहाँ से।